साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होनी है, उसके लिए हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आर ओ ए आर ओ की परीक्षाएँ कराई गई, चाहे वो प्रीलिम्स की हों या मुख्य परीक्षाओं की, उन प्रश्नों को जी एस और हिंदी, इन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ये चूँकि कई सारे प्रश्न जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो यदि आपने सारे प्रश्नों को हल कर लिया तो आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा आगामी जो पीसीएस की परीक्षाएं होंगी उन सभी के लिए काफ़ी आपको सहायता मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा 2021 की जो मुख्य परीक्षा का जीएस का प्रश्न पत्र रहा, उस प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इसमें कुल 120 प्रश्न है, 120 प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो दौलत खान ने। किसने दिया था? पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। आगे चलते हैं। दूसरा है डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जोनाथन पैरी। कौन है? जोनाथन पैरी हैं। इनकी अन्य पुस्तकों के नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रोटिज्म और क्लासेस, इस मतलब एक पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रोटिज्म और दूसरी है क्लासेस ऑफ लेबर कास्ट एंड किनशिप इन कांगरा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, परंतु प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। और सोडियम, और अगला है वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, ये सही है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सही है आपका। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दो सूचियां दी गई हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और उनकी राजधानी शहर, इन्हें हमें सुमेलित करना। तो देखिए, यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? सिडनी है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है। क्वींसलैंड की राजधानी क्या है? ब्रिस्बेन है। विक्टोरिया की राजधानी क्या है? मेलबर्न है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पर्थ है। तो 2143 सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। फिर से दो सूचियाँ दी गई, संगठन और उनकी स्थापना के वर्ष। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे जो सुमेलित है उसको देख लेते हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में होती है, ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में। और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में। ठीक है, देखिए विकल्प में जो है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है आपकी कब है? 1953 है, 1953 ना, परंतु यहाँ पे क्या दिया गया है? 1952 दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देखिए, आपका अमनगढ़ जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के बिजनौर में है। ये कार्बेट बाघ अभयारण्य जो है उसके बफर क्षेत्र के रूप में से घोषित किया गया, जबकि बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी ये आपके मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कोयला आधारित, तो देखिए इसमें दादरी और सिंगरौली जो हैं ये कोयला आधारित बिजली संयंत्र, जबकि डार्ली पाली उड़ीसा का है और विंध्याचल जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में NTPC की कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन सी? सिंगरौली, दादरी, रिहन, फिरोज गांधी ऊंचाहार, टांडा। ठीक है, और कोयला आधारित एक बिजली संयंत्र, कोयला आधारित एक बिजली संयंत्र कहाँ पे है? मेजा में है, जो संयुक्त क्षेत्र का संयंत्र है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पशु और उसकी नस्ल के संबंध में? देखिए, गाय की नस्ल है देवनी, बकरी की बर्बरी, भैंस की भदावरी और भेड़ की गिर है। ठीक है, तो यहाँ पे भेड़ की गिर नहीं है, गिर जो होते हैं आपके गिर गाय की है। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियाँ हैं, पुस्तक और उसके लेखक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, राजपंचाध्यायी के लेखक कौन है? नंददास हैं। चैतन्य भागवत के वृंदावन दास हैं। चैतन्य मंगल के जय नंदा हैं और भक्ति रत्नाकर के नरहरि चक्रवर्ती हैं। तो राजपंचाध्यायी, नंददास, चैतन्य भागवत, वृंदावन दास,
चैतन्य मंगल, जय नंदा और भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो सी वाला देखिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो होता है ये मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं, तीन गोल्ड में सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से कौन थे? तो देखिए, B.R. अंबेडकर ने तीनों गोल्ड में सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोल्ड में सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। और एनी बेसेंट तथा सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोल्ड में सम्मेलन में किया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं? बाल्टिक सागर के तट पर आप मैप पे देखेंगे तो आपको बाल्टिक सागर दिखाई पड़ेगा। तो इसके तट पर आपके स्वीडन और नॉर्वे हैं। स्वीडन और नॉर्वे ऐसे ऊपर है, नीचे इधर आपका बाल्टिक सागर है, ठीक है। लताविया है परंतु पोलैंड नहीं है। लताविया है परंतु पोलैंड नहीं है। लताविया है परंतु रूस नहीं है। इसी प्रकार से स्वीडन है परंतु रूस नहीं है। तो ए बी सी में आपने देख लिया क्या गलत है। तो डी ऑप्शन स्वीडन और नॉर्वे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया था? तो इसमें कुल ओडिशा ने जीते थे। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, इसको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगला है, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? तो यहाँ पर देखिए, दो कथन दिए गए हैं। तो इसमें देखिए, पहला वाला जो कथन है, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, ये सही है। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला कि यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, ये सही है। दूसरा, यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची, ये कथन आपका गलत है। क्योंकि देखिए, त्रिशूल पश्चिमी कुमाऊं के तीन हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह, जिसकी सबसे ऊंची जो चोटी है त्रिशूल वन, ये 7120 मीटर है, 7500 मीटर से कम है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। देखिए, पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र है, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र, परंतु सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र इसके तहत नहीं आएगा। जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए, इसको जानने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला है, भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो 9A में किसको प्रदान किया गया है? शहरी क्षेत्र की स्वशासन की इकाइयों को। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2। 9 में आपका ग्रामीण क्षेत्र की है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 9A में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाइयों को 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया और अनुच्छेद 243P से 243ZG में इससे संबंधित उपबंध शामिल किए गए, जबकि भाग 9 में पंचायत शीर्षक से ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? तो आपका जेट्रोफा, ठीक है। तो देखिए, रतनजोत, जैव डीजल, जेट्रोफा, कर्काश इत्यादि। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? मंदसौर प्रशस्ति जो है आपका किसके बारे में? कुमारगुप्त प्रथम के बारे में, कुमारगुप्त प्रथम, अर्थात डी ऑप्शन। देखिए, मंदसौर अभिलेख में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना कवि वशभ ने की थी। मंदसौर अभिलेख में ही सूर्य पूजा का वर्णन किया गया है तथा रेशम का काम करने वाले लोगों का भी वर्णन इसमें किया गया है। गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने ही सर्वाधिक अभिलेख जारी करवाया था। अगला है, पार्वती आरंगा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो पहला, यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, सही है। दूसरा, एक पक्षी अभ्यारण्य, दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, और ये रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। फरवरी 2022 में देश की 38वीं व 49वीं रामसर साइट, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और खिजड़िया, ये छोड़ दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो हैं 75 रामसर स्थल हैं वर्तमान में, ठीक है। ये आगे चल के बढ़ भी सकते हैं। और इस समय जो है इस समय आपका उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं? 10 रामसर स्थल हैं, ठीक है, मई 2023 तक का ये आंकड़ा है। आगे बात करते हैं, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो इसकी स्थापना
पौंडीचेरी में की गई। 1974 में भारत पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पौंडीचेरी में स्थापित किया गया था। ये केंद्र एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में जो है कुल 725 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। तो इसके नाम इसकी संख्या याद करने की जरूरत नहीं आपको। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी या बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो ये आपकी महानदी है। जब आप एटलस देखेंगे, कोई भी चाहे ऑक्सफोर्ड या किसी का भी, तो आप जहाँ भारत का है तो भारत के बारे में कई सारी चीज़ें दी गई, तो वहाँ पे आपको एक मैप दिखाई पड़ेगा जहाँ पे विभिन्न नदियों के जो बेसिन हैं उनको एरिया वाइज जो है बताया गया है कि कौन सा नंबर एक कौन सा नंबर टू पर है, इस प्रकार से नंबरिंग की गई है। तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न लगातार बनता है। तो इन चारों में जो है महानदी की जो बेसिन है वो सबसे बड़ी है या क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। आगे बात करते हैं, दो सूचियाँ दी हैं, वैज्ञानिक नाम और उनका कार्य क्षेत्र किससे संबंधित रहा। तो यहाँ पे देखिए, बीरबल साहनी का संबंध जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से रहा है, केसी मेहता का पादप रोग विज्ञान से, पी महेश्वरी का भ्रूण विज्ञान से, एम एस स्वामीनाथन नाम है इनका हरित क्रांति। उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास प्रायोजित की गई। कब की गई इसको, किसके द्वारा? इसको विश्व बैंक के द्वारा प्रायोजित किया गया। विविध कृषि सहायता परियोजना डास्प का प्रथम चरण 23 सितंबर 1998 में विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया था, जो मार्च 2004 तक चला। इसका उद्देश्य किसानों की भागीदारी के माध्यम से कृषि विविधीकरण की प्रक्रिया को तेज करना था। इसका दूसरा चरण जो है 2007 में प्रारंभ किया गया, जो कि 31 मार्च 2013 को पूरा हुआ। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई? तो 2017 में की गई, 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई। कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना है। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो दो कथन है। पहला, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, ये कथन सही है। दूसरा, हालांकि प्रशासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे, ये कथन आपका गलत है। तो यहाँ पर पहला वाला ही सही है, दूसरा नहीं सही है। देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी न सिर्फ एक शासक के रूप में प्रसिद्ध है बल्कि वह एक सुदृढ़ प्रशासनिक आर्थिक सैन्य व्यवस्थापक आदि के रूप में भी प्रसिद्ध है। वास्तव में उसकी प्रसिद्धि का मूल कारण युद्ध विजय से इतर उसके प्रशासनिक व्यवस्था में ही निहित था। अगला है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो ये इसको आप याद कर सकते हैं, पहला रॉक संग्रहालय कहाँ पे, ओपन रॉक संग्रहालय, तो ये आपका हैदराबाद में है। बस इतना याद रखिए कहाँ पर है, हैदराबाद में है। आगे बात करते हैं, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किलाए कोहना का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किलाए कोहना का निर्माण जो है वो शेरशाह सूरी ने कराया था। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों के क्षेत्र प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? तो कुल कितने हैं? 17 हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 33% भाग को वन आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला है, दिसंबर 2021 का करंट का क्वेश्चन छोड़ दीजिए इसको। आगे चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चार घटनाएं, नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और चौथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सबसे पहले होती है 1975 में, फिर नाबार्ड की स्थापना 1982 में, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992-93 का है, और वहीं किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 का है। तो आप इसे क्रम से लगा दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में, तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो अभी 2023 वाला राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फॉर्म्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसे 2001 में पारित किया गया। इससे पौधों की किस्म, कृषकों और पौधों के संवर्धकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने तथा पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु लाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तो नवंबर 2021 का करंट अफेयर का छोड़ दीजिए इसको।
अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो है 1952 में 1952 में 6 अगस्त 1952 को, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, या एक संविधानेतर निकाय है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारतीय और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा वर्तमान में नीति आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। अगला है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर है, तो ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। ठीक है, और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी, 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व के मापन में होता है, तो धुएं के घनत्व मापन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं, एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं, प्रस्तावना, विषय सूची, अध्याय, अनुक्रमणिका, शीर्षक, इसे हमें क्रम से लगाना है। तो ये वैसे तो रीजनिंग का प्रश्न है, पर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका शीर्षक आएगा, फिर विषय सूची, फिर प्रस्तावना, फिर अध्याय, फिर अनुक्रमणिका आएगा। ठीक है, अनुक्रमणिका मतलब इंडेक्स लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है, तो सहरिया जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, जबकि चेरो, गोंड, खरवार ये पाई जाती है। ठीक है, सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। आगे पढ़ते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है, तो ये बिजनौर में, कहाँ पर, बिजनौर में प्रवेश करती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर के ये बहती है। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है 108 में, और लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं है, देखिए इसमें राजा मानसिंह, तोमर, तानसेन, सुदरांग, अधरांग ये रहे, परंतु माल गुर्जरी ये इससे संबंधित नहीं रहे हैं। ठीक है, माल गुर्जरी जो है एक गायन राग है, कोई विभूति नहीं है, मतलब कोई शख्सियत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधि सूचियों का प्रावधान किसमें दिया गया है, तो किसमें है, 7 में, अनुसूची 7 में केंद्र राज्य संबंधों के आलोक में 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था, तो इन चारों में से कौन नहीं था, तो अंबिका चक्रवर्ती इसमें नहीं शामिल थे। 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, भगत सिंह ने की थी। इसके सदस्यों में भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, जयपाल, राजगुरु इत्यादि थे, परंतु अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का तरीका है, सही है। यह भारत में MSME ये तो व्यापार सुगमता को आकलित करता है, ये भी सही है। 2 के 2 कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है, तो देखिए बी और सी 2 विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा, ये वसा में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि अन्य जो है बी और सी के अलावा वो वसा में घुलनशील होते हैं। आगे बढ़ते हैं, डाउशन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है, तो इससे ओजोन सांद्रता, ओजोन कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना 1920 में की गई थी बम्बई में, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, और इसी क्रम में कई लोगों ने इसकी अध्यक्षता की, और 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं, बालकाश झील निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है, तो ये आपका कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान का मैप देखेंगे तो उसमें आपको बालकाश झील दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इस झील का बेसिन जो है 2 देशों कजाकिस्तान और चीन के बीच साझा करता है। यह एशिया की 3री और विश्व की 15वीं सबसे बड़ी झील है। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में, पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। ये मध्य पाषाणिक स्थल हैं, पैसरा, लखिया, बीरभानपुर और महदहा, तो इसको देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए पश्चिम से पूर्व चलना है, तो सबसे पश्चिम में महदहा, सबसे पश्चिम में महदहा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, लखिया उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में, पैसरा
ये बिहार में और बीरबानपुर उतने ही आपका पश्चिम बंगाल में, तो ये क्रम हो जाएगा मैदहा लेखिया पैसरा और बीरबानपुर। अगला है दो सूचियाँ दी गई हैं इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए विटामिन इसमें से कौन सा विटामिन, देखिए जो आपका कैरोटीन विटामिन है, एंजाइम पेप्सिन जो है एंजाइम है, हार्मोन कौन सा है प्रोजेस्ट्रॉन ये आपका हार्मोन है, और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जो है आपका ये केराटीन है तीसरा वाला। तो 2143 हो जाएगा, 2143 ठीक। तो फिर से देख लीजिए, विटामिन केराटीन विटामिन है, पेप्सिन एंजाइम है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है, और केराटीन प्रोटीन है। यहाँ पे दो सूचियाँ हैं, स्थल और संबंधित तीर्थंकर, तो यहाँ पे आप सुमेलन देख लीजिए। श्रावस्ती किससे संबंधित है, शंभवनाथ से, काकंदी सुविधानाथ, अयोध्या ऋषभनाथ, पभोषा पाद प्रभु, ठीक है। श्रावस्ती शंभवनाथ, काकंदी सुविधानाथ, अयोध्या ऋषभनाथ और पभोषा पाद प्रभु। अगला है निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण, तो 2021 का करंट अफेयर है, छोड़ दीजिए उसको, आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग के प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग नहीं देखेंगे। अगला प्रश्न है, 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी, तो इसे इन्होंने फारसी भाषा में लिखी थी, फारसी भाषा में, ठीक है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा तथा 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है, तो देखिए साइटोकाइनिन जो है, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। अन्य पादप हार्मोन में आपका ऑक्सीन आता है, एथिलीन है, एविषिक अम्ल है, जिबरेलिंस है इत्यादि। जो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन, इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, जबकि इंसुलिन थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन ये मानव हार्मोन है, पादप हार्मोन नहीं है। आगे चलते हैं, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में, किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है, NO3 के रूप में। आगे और इसी कमी से प्रोटीन की कमी से क्या होता है, पौधों में नाइट्रोजन कमी से पौधों में वृद्धि रुक जाती है। दो सूचियाँ हैं, बादशाह और उनके दीवान कौन रहे हैं, तो देखिए अकबर का दीवान मुजफ्फर खान, जहांगीर का गियास बेग एतमाद उद्दौला, शाहजहां का सादुल्ला खान और औरंगजेब का असद खान रहा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, संस्थान और उनकी अवस्थित, तो कौन सा एक सही सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो देखिए राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, ये गाजियाबाद राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, गाजियाबाद में है। और दूसरा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये आपका कहाँ पे है, कानपुर में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये गोरखपुर में नहीं है, ये बनारस में है, ठीक है। आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये आपका कहाँ पे है, बनारस में, गोरखपुर में, तो सी वाला सही नहीं है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ पर है, लखनऊ में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुगर केन रिसर्च, ये कहाँ पर है, ये आपका लखनऊ में है। आगे चलते हैं, नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी, ये आपके कहाँ के रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात के। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का रहेगा, तो 2021 से आगे के 4 वर्षों तक भी बने रहेंगे, तो इनका नाम पता होना चाहिए, ठीक है, कि इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है, अहमद नसर अल रईसी, ये संयुक्त अरब अमीरात के व्यक्ति रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है, तो इसमें देखिए आपका आलू, ठीक है, आलू संरक्षित है। 2014-15 में 500 करोड़ रुपये के कोष के साथ मूल्य स्थिरीकरण निधि को मंजूरी दी गई थी, तो इसमें देखिए किसको शामिल किया गया है, आलू प्याज आलू और दाल, ठीक है, इनको इसमें शामिल किया, प्याज आलू और दालों जैसे आवश्यक कृषि वस्तुओं की लागत अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के तहत स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं, वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है, तो यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही है। पहला है, यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है, यह
व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता, सही है। दूसरा, यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है, दोनों ही सही हैं वाणिज्य के संबंध में, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो मोटे अनाज वाली फसल मिलेट क्रॉप्स के रूप में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भू मध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, तो देखिए सागौन का वृक्ष यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, यहाँ पर ओक, जैतून, चेस्टनट पाया जाएगा, ठीक है। सागौन का वृक्ष उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है, तो गोदावरी डेल्टा पर कोरिंगा मैग्रोव यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। देखिए कोरिंगा मैग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है, यह भारत में सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैग्रोव क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है, किसी राज्य में, तो देखिए आपका इसमें पॉइंट कैलिमर वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, तो ये कहाँ पर है, यह अभयारण्य तमिलनाडु में है, पॉइंट कैलिमर वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य। जबकि अन्य को देखेंगे, एक सेकेंड, तो ये किसी राज्य में कहा है ना, बाकी आपके किसमें हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। आगे चलते हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो अब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा, तो भारत के प्रधान न्यायाधीश करेंगे। वर्ष 2020 का, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, छोड़, ये रीजनिंग के प्रश्न है, छोड़ दीजिए इसको। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, प्रोजेक्ट हाथी, जैव विविधता अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर, तो इसको आप क्रम से देखिए। सबसे पहले वन्यजीव अधिनियम 1972 है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है, प्रोजेक्ट हाथी 1992 का है और जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है, मध्य पूर्व का हिस्सा, देखिए मध्य पूर्व के देशों में आपके जॉर्डन, इजराइल, इराक, ईरान, लेबनान, यमन, कतर, सीरिया, तुर्की, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात, साइप्रस सभी आते हैं। तो यहाँ पर जितने भी देश दिए गए सब के सब आपके मध्य पूर्व में आ जाएंगे, तो इसलिए प्रश्न की गड़बड़ है। आगे चलते हैं, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है, तो ग्वादर बंदरगाह जो है ये कहाँ पे है, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में, ठीक है। अगला है, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, कहाँ पर की गई थी, कलकत्ता में की गई थी, कलकत्ता में, यह एशिया का सबसे पुराना अनुष्ठान आधुनिक शैक्षणिक संगठन है। अगला है, 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच कितनी बार उन, तो ये रीजनिंग का प्रश्न है, छोड़ दीजिए इसको जरा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है, तो ये जो है आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन के तृतीय नियम, जो कि संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो द्वितीय नियम पर कार्य करता है, ठीक है। एक सेकेंड, रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। इस नियम के अनुसार यदि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, संचित रहता है। संवेग संरक्षण के अन्य उदाहरणों में हवा से भरे गुब्बारे, बंदूक से निकली गोली इत्यादि। यहाँ पे दो सूचियाँ हैं, स्मारक और उसके निर्माता कौन रहे हैं, तो देखिए अटाला देवी मस्जिद के निर्माता इब्राहिम शाह सरकी, छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद, कदम रसूल नुसरत शाह, अदीना मस्जिद पांडुआ सिकंदर शाह। रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, अंबेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, तुकारोई का युद्ध, मालवा पर मुगल आक्रमण और उड़ीसा पर कररानी की विजय। तो यहाँ पर आप क्रम देखिए, सबसे पहले मालवा पर मुगल आक्रमण होगा 1561 में, फिर अंबेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह होगा 1562 में, फिर उड़ीसा पर कररानी की विजय होगी 1567 से 68 में, और तुकाराई का युद्ध होगा 1575 में। अगला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP नीति आयोग ने कब शुरू किया था, तो इसको जो है
जनवरी 2018 में इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उनके साथ समग्र विकास में सहायता करना, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि भूटान ने दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को, तो भारत के प्रधानमंत्री को दिया था। ये करंट अफेयर क्वेश्चन, छोड़ दीजिए इसको। आगे चलते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो कानूनी नाम क्या है? द यूनियन ऑफ इंडिया है, ध्यान रखिएगा। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति संबंधी 280, इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है? संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है, किसके लिए प्राप्त है? तो देखिए, भारत के संघ के लिए, भारत का प्रदेश या उपप्रदेश के लिए, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों उनकी संपत्ति के लिए, नहीं, पहला और दूसरा ही सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन 2021 का, इसे छोड़िए। आगे चलते हैं, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है? तो यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, यह झील चार देशों से घिरी है, नहीं, तीन देशों से, केन्या, तंजानिया और युगांडा से, तीन देशों से। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, ये कथन आपका सही है, पहला गलत दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। और इससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है, रीजनिंग का प्रश्न छोड़िए। आगे चलते हैं, व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? तो यहाँ पर आपके दो कथन दिए गए हैं, पहला है कि यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, व्यापार जो है ये मांग और आपूर्ति, सही है, यह केवल मांग पर संबंधित नहीं, ये कथन गलत है, पहला सही दूसरा गलत है, इसलिए आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किससे? तो ये आपका जीवाणुओं से, एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? तो आपका मक्का नर मंजरी निकालना, मूंगफली खूंटी बनाना, काबुल चना किले निकालना, तो ये सही नहीं है, सी वाला सही नहीं है। काबुली चने में किले नहीं निकलते, किले निकालने वाले फसल हैं, किले निकालने वाले फसल हैं गेहूँ धान जौ मक्का आदि। तंबाकू शीर्ष कर्तन, तो सी वाला सही नहीं है। अगला है करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? कौन नहीं थे? तो देखिए, रंगलाल, नवीन चंद सेन, हेमचंद बनर्जी थे, परंतु शिवकुमार बटालवी नहीं थे, ये रोमांटिक कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में आरती, लाजवंती, लूना, अलविदा आदि हैं। अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है या से कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं, पहला है यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य, सही है, इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था, ये दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2022 में तो किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये इसरो के अध्यक्ष हैं एम सोमनाथ को। आगे बात करते हैं, उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंडअप इंडिया संबंधित है किससे? तो ये जो है आपका महिला एससी और एसटी से संबंधित है, इसे 2016 में प्रारंभ किया गया था, 2016 में। अगला है करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग के प्रश्न को भी छोड़ दीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन जानवर है? तो किसका है? भेड़ का। 1996 में तैयार किया गया था, 1996 5 जुलाई को हुआ था, जिसका नाम, जिस भेड़ का नाम क्या था? डॉली। आगे बढ़ते हैं, ये बजट का क्वेश्चन है, पुराना हो गया है, छोड़ दीजिए। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इंग्लिश में देखें, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये आपका लखनऊ में स्थित है, कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अग्रणी पादप अनुसंधान प्रयोगशाला, इसके चार अन्य शोध केंद्र बंगलूर, हैदराबाद, पंतनगर एवं पुरारा बागेश्वर में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं, पहला है, इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, सही है, इसमें
150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन छोड़ दीजिए। हल्दी भूमिगत तनों का उदाहरण जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। हल्दी भूमिगत तनों का उदाहरण है जिसे राइजोम कहते हैं, ठीक है। हल्दी के राइजोम को भोजन में प्रयोग किया जाता है, यह एक प्रकार का भूमिगत तना है। इसका प्राकृतिक एंटीबायोटिक व एंटीसेप्टिक के रूप में यह कटने पर, सूजन पर तथा दर्द निवारक आदि में प्रयोग होता है। उल्लेखनीय कि हल्दी जिजीबरेशी कुल का पौधा है जिसका वनस्पतिक नाम करकुमा लौंगा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये स्टेरॉयड है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है, शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए लीवर द्वारा उत्पन्न किया जाता है स्टेरॉयड को, कोलेस्ट्रॉल को। यह मोम जैसा चिकना पदार्थ है जो ब्लड प्लाज्मा द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। कोलेस्ट्रॉल अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है और कोशिका भित्ति उत्तक हार्मोन विटामिन डी और पित्त अम्ल बनाने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन इसका स्तर अधिक होने पर खून की नलियों में जमने लगता है जिससे सक्रिय हो जाता है, हार्ट अटैक स्ट्रोक जैसे रोग का खतरा बढ़ जाता है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यजीव अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या शेष सही है? यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला है राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या कहाँ, मध्य प्रदेश में सही है। वन्यजीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। अगला है करंट अफेयर क्वेश्चन, जो छोड़ दीजिए। यहाँ पे बॉक्साइट उत्पादक राज्यों की बात की गई, तो बॉक्साइट उत्पादक में आप देखेंगे, देखिए जो खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट है, इसमें सर बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक में पहले नंबर पर उड़ीसा, फिर गुजरात है, ठीक है। अगला है ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो भारत सरकार ने उदय योजना, कौन सी, उदय योजना प्रारंभ की है, अर्थात उज्ज्वल डिस्काउंट इंश्योरेंस योजना की शुरुआत विद्युत मंत्रालय ने 2015 में की है। इसका लक्ष्य देश की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उनका पुनरुद्धार करना तथा उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना रहा है। आगे चलते हैं, अगला रीजनिंग का प्रश्न, इसको छोड़ दीजिए। अगला है पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? तो इसको बनाने में एथिलीन गैस का, किसका, पॉलीथीन बनाने में एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग पैकिंग की थैलियों, तार के ऊपर का आवरण बनाने में किया जाता है। अगला है भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, किसमें होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आर्टिकल 53 के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी और उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका तथा प्रभावी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होता है। अगला है दो सूचियाँ दी गई हैं, न्यूनतम आयु अर्हता और मतलब जो पोस्ट है उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए, पंचायत सदस्य के लिए 21 वर्ष, राज्य विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष, राज्य विधान परिषद के लिए जो है 30 वर्ष और भारत के राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा हुई है, ये कथन आपका सही है। ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा नहीं, ये जो है गैलापागोस इक्वाडोर का हिस्सा है, ठीक है, इक्वाडोर का हिस्सा है और ये आपका प्रशांत महासागर में ये अवस्थित है। आगे चलते हैं, भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत जो है आपका आम और पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो देखिए, यहाँ पर पहला, यह मूर्ति नृत्य करते हुए चार हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, सही है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का, ये दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग का प्रश्न छोड़ दीजिए। अगला है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये आपका लखनऊ में, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पे है, लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना
1989 में की गई थी, और प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1952 में लखनऊ में की गई थी। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दो कथन है। पहला है, राइन नदी उत्तरी जर्मनी के औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तो ये वाला कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ये आपका कथन सही है। देखिए, रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। राइन नदी उत्तरी जर्मनी में नहीं बल्कि पश्चिमी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ठीक है, ये आल्पस के आल्पस पर्वत से निकलती है और ये आपका उत्तरी सागर में जा कर के मिल जाती है। अगला प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया था? 2008 में लागू किया गया था। ठीक है, और ये 8 परियोजनाएं कौन सी हैं, थोड़ा नाम देख लीजिए। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन और सुस्थिर हिमालय पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आपका बटेश्वर आगरा में है, देवा शरीफ जौनपुर में नहीं बाराबंकी में है, तो यहाँ पर बी वाला सही नहीं है। शंकिशा फरुखाबाद में, बिठूर कानपुर में। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 120 प्रश्नों को देखा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।